हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 10 है ना, दसवां पाठ है और दसवें चैप्टर पे चलेंगे। टेंथ पे नीति नवनीतम है ना, सुंदर नीतियाँ, अच्छी नीतियाँ। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन, ठीक है। मनुस्मृति से कुछ श्लोकों को ला करके उस चैप्टर में दिया गया है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ना, जो सदाचार की दृष्टि से यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है ना? इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतर आत्मा को आनंदित करने वाला कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारों उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना चाहिए आदि शिष्टाचारों का जो भी है उल्लेख दिया गया है। श्लोक पे चलेंगे। फर्स्ट है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पशुभिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते व्यायुर्विद्यायशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पशुभिनः, अभिवादनशीलस्य अभिवादन का गुण हो तो नित्यं वृद्धो पशुभिनः, हमें नित्य निरंतर अपने बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। क्यों? चत्वारि तस्य वर्धन्ते, इसी के फल स्वरूप हमें क्या मिलता है यदि हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो हमें मिलता है आयु विद्या यश और बल, है ना, आयु विद्या और यश बल की प्राप्ति होती है, लाभ होता है ना। तो अभिवादनशील से अभिवादन गुण का शीलन अभिवादन करते हुए और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए नित्य निरंतर, जिससे हमें चार चीज की प्रॉफिट होगा, क्या, आयु का, विद्या का, यश और बल का। सेकेंड पे चलेंगे। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, है ना, जो माता पिता अपने बेटे के जन्म या हमारे जन्म में उतना कष्ट सहते हैं, ठीक है ना, न तस निष्कृति सत्या कर्तुम वर्ष प्रेरपी, उस कष्ट का जो ऋण है उसे दूर करने के लिए कर्तुम वर्ष पर 100 साल भी कम पड़ जाएंगे ना। मतलब माता पिता जब हमें जन्म देते समय जितना कष्ट पाते हैं उस कष्ट को यदि हम कर्ज चुकाना चाहें तो हमें 100 वर्ष से ऊपर का समय लग जाएगा ना। थर्ड पे चलते हैं। तयोर नित्यम प्रियम कुरियाद, है ना, आचार्यस्य च सर्वदा तेस्वे वित्तिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समापयेत्। तयोर नित्यम प्रियम, है ना, नित्य प्रतिदिन आप अपने प्रिय कुरियाद आचरस्य च सर्वदा, ठीक है, माता पिता और गुरु इन तीनों की यदि हम प्रीति रखें और इनसे सेवा करें, इनको प्रसन्न रखें तो तेस्वेव त्रिषु तुष्टिषु, इनकी इन तीनों की तुष्टि से संपन्नता से तपः सर्व समापित, हमें एक तप का यज्ञ करने का जो फल है वो प्राप्त हो जाएगा। तो तीन व्यक्ति माता पिता और गुरु की यदि हम सेवा कर दें, उनको प्रिय रखें तो हमें कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं। तो फिर चलेंगे। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं एतद् विद्या समात्सेन लक्षणं सुख दुःखयो। सर्वं परवशं दुःखं, ना, सब यदि दूसरे के ऊपर हो जाए, हम दूसरे पे आश्रित हो जाए तो यह दुख का कारण है, और सर्वम आत्मवशं सुखम, और यदि सब हम अपने और ऊपर धारण कर लें, खुद के परवश हो जाएं तो सुख का कारण है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुख, अतः ज्ञान का विषय यही है लक्ष्य शुभ और दुख का, दूसरे के वशीभूत दुख और खुद के वशीभूत सुख, है ना। फिफ्थ पे चलेंगे। यत् कर्म कुर्वतो तस्य स्यात् परिवेश परितोषोत्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्मं कुर्वतो यस्य, न, यत् कर्म जो काम है करने के लिए, स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, तो
तो जो हम काम करते हैं जिससे हमारी अंतर आत्मा तुष्ट हो जाए, है ना, पोषित हो, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जयत। और जिस काम को करने से हमें कोई खुशी नहीं मिलती उस काम को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, है ना। सिक्स पे चलेंगे, दृष्टिपूतम न्यसेत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेवाचम मनापूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम, देख कर ही न्यसेत्पादम अपने पैर को रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से ढांक छान करके जल पीना चाहिए। सत्यपूतम वदेवाचम, है ना, सत्य रूपी बातें बोलना चाहिए। मनापूतम समाच, और मन से सदाचार वाले आचरण विचार रखना चाहिए, है ना। ऐसे आपका ये पार्ट वन कंप्लीट।